नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं सौर न्यूज इंडिया। जी आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में, और आपको बता दें कि बाबा विश्वनाथ धाम लगभग बनके पूरी तरह से तैयार हो चुका है। 99% काम हो चुका है यहाँ पे, और कुछ ही आज के दिन ही जो भी काम बचा हुआ वो कम्प्लीट होगा। जी आपको बता दें कि कल से पूरे 30 घंटे तक इस परिसर का पूरी साज सजावट होगी, झालरें लगेंगी, अच्छे से भव्य तरीके से इस मंदिर को सजाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को वाराणसी आ रहे हैं। खासकर जी आपको बता दें कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी यहां पे आने वाले हैं और लोकार्पण करने वाले हैं काशी विश्वनाथ धाम का। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद आपको बता दें कि जो यहां श्रद्धालुगण हैं वो डायरेक्ट गंगा स्नान से डायरेक्ट यहाँ पर काशी विश्वनाथ का दर्शन कर पाएंगे और अपनी जो मनोकामना है, पूर्ण जो उनको चाहिए वो पूरी कर पाएंगे। करने आई हूँ। कहाँ से आ रही हैं आप? जौनपुर से। कितनी आप पहली बार आ रही है? इससे पहले भी आ? नहीं, दूसरी बार आए हैं। पहले में और अब में क्या? अरे बहुत अंतर है। कैसे? अरे मेरे मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं, सब उनका विकास किए हैं, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। आने पर बहुत अच्छा देख के लग रहा है कि आए हैं, बहुत खुशी हो रही है आने पे। जी देखिए, आइए और लोगों से बात करते हैं। जितेंद्र उपाध्याय, जौनपुर। जी आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे? बहुत बार आ चुके हैं। कैसा लग रहा है, कुछ यहाँ के बारे में बताइए। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहले के जैसा नहीं रह गया। क्या बदलाव नजर? सारा बदलाव आपके सामने है, आप खुद देख सकती है इसको। पहले भी आप आई होंगी, अभी भी आई हैं, कितना बदलाव है आप खुद महसूस कर सकती है। बहुत अच्छा बदलाव, बहुत अच्छा काम हुआ है जी। हमारे साथ आइए, यहाँ पे लाइन में भी लगे हुए जो सीधे बाबा के दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं भक्तगण, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उनका विचार है। जी कहाँ से आ रहे? लालगंज से, जिला आजमगढ़। पहली बार आ रहे हैं? नहीं, आए हैं। मंदिर में तो इतना विस्तार नहीं हुआ था, जितना सुंदर मंदिर हो गया, ये चमत्कार है। देखकर कैसा लग रहा है यहाँ का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिस तरह से भव्य ये कॉरिडोर बना हुआ है, मोदी जी से क्या उम्मीद करते थे? मोदी जी जो काम दोबारा आएंगे। इस बार वोट जाएगी आप? जरूर जाएगी। और क्या चेंजेस बताना? उन्होंने जो जिस प्रकार से उन्नति की है, अगर किसी को देखना है तो बनारस में आकर देखें, बनारस में आकर देखें, तब मालूम चलेगा कि मोदी जी ने क्या किया, योगी जी ने क्या किया। इस परिसर की बात की जाए तो कैसा लग रहा है? बहुत भव्य, बहुत सुंदर। और भी आप बाहर भी जाके लोगों को बताना चाहेंगे? जरूर, हम कलकत्ता से हैं, कलकत्ता के लोगों को बहुत प्यार करते हैं, कलकत्ता के लोग यहाँ बनारस को भी बहुत प्यार करते हैं। जी आपका नाम? शिवम। जी आपको बता दें कि शिवम कोलकाता से आए हुए हैं, फिर देख सकते हैं आप वो किस तरह से कितने उत्साहित हैं और बाहर भी जाके अपने ही जब बताने वाले हैं लोगों को कि वो विश्वनाथ कॉरिडोर आ सकते हैं, यहाँ पे आके बाबा का किस तरह से दर्शन कर सकते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, मुंबई से आ रहे हैं मैडम। पहली बार आ रहे हैं आप वाराणसी? हम पहले भी आए हुए हैं, जब भी हम बनारस आते हैं तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले जो विश्वनाथ परिसर होता था और सक्रिय गलियों से आना पड़ता था आपको, इस बार क्या नज़ारा? क्या इस बार का नज़ारा ऐसा लग रहा है कि हर नज़ारा इसके सामने फेल है। पूरे विश्व में अब तक का जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मंदिर का अब बाबा विश्वनाथ के यहाँ पे आके लग रहा है। पहले एक गली होती थी, हम यहाँ से आते थे, दर्शन करते थे। आज से करीब 13 साल पहले मैं यहाँ पे आया था तो बहुत ही छोटी गली थी, आने के लिए दर्शन करने के लिए लोगों को तकलीफ़ होती थी, लेकिन आज ऐसा भव्य दृश्य देख के, ऐसा भव्य नज़ारा देख के हमको जो आनंद मिल रहा है, जो आज ये हमारे योगी जी की सरकार आई है, उन्होंने जो भव्य मंदिर बनाया है उसको अच्छी तरीके से, बहुत ही आनंद आ रहा है। यहाँ का दर्शन हमें बहुत ही अच्छा लगता है लेने के। हमको भी बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मिला। कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से आ रहे हैं। मुंबई से आ रही हैं। तो बताइए कुछ यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। दर्शन किया बाबा? हाँ, दर्शन किए। कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? बढ़िया लगा। हमारे पास और भी श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है। जी आपसे जानते हैं इनसे कि क्या यहाँ पे आके कैसा फील हो रहा है उन्हें? आपका नाम? मेरा नाम मिलन दुबे है। कहाँ से आ रहे मिलन? मैं रहने वाला तो बनारस का ही हूँ, लेकिन मैं रहता चेन्नई में हूँ। तो छुट्टी में आया हुआ था। कितनी बार यहाँ पर आए हैं आप? जब भी मैं बनारस आता हूँ तो एक बार आ ही जाता हूँ यहाँ पे। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आने? बहुत ही अच्छा, बहुत कुछ चेंज हो गया है। पहले से क्या आपको चेंजेस लग रही हैं? बहुत कुछ चेंज हो गया है पहले से तो। पहले इतना स्पेस नहीं था, इतना ज़्यादा मतलब फ्री नहीं था, और कॉरिडोर इतना अच्छा नहीं था, सब कुछ बड़ा अच्छा है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मोदी जी जो विकास की राह पे वाराणसी को ले जा रहे हैं, क्या उस तरह से बदलाव आपको नज़र आ रहा है?
बिल्कुल दिख रहा है, कुछ चेंजेस मुझे दिख रहे हैं एंड दिस चेंजेस आर गुड फॉर द नेशंस। हमारे साथ यहाँ पे महिला भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? सरला। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लखनऊ से आते हैं 10 साल से, हर महीना हर मंथ आते हैं आप। ठीक है, तो आप कैसा लग रहा है यहाँ आकर? अब तो बहुत आनंद आता है आके, अब तो मन होता है कि यहीं रह जाएं। मोदी जी का सरकार के राज में बहुत अच्छा हो गया एरिया हर जगह। और कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी? हम मोदी जी तो हमारे प्रिय भक्त हैं, हम तो उनको बाबा का दूसरा रूप मानते हैं जब से, क्योंकि हमारे लिए वो धरती पे भगवान राम का उतार आए हैं, इसलिए मोदी जी राम हैं और लक्ष्मण जी आए हैं योगी जी। अयोध्या का हमारा आज तक किसी माई का लाल नहीं करा पाएगा, कोई मंत्री कोई संतरी किसी ने नहीं कराया था, मोदी जी आए कम से कम हम लोग को राम दरबार का तो आनंद आ गया दर्शन अयोध्या का। सामने कोई मंत्री ही नहीं रहा, ना को रहेगा, जो भी रहा है ना को रहेगा ना को रहा है। नाम मेरा नाम शिव कुमार बर्नवाल है। कहाँ से आ रहे हैं? रांची झारखंड। कितनी बार आ चुके हैं आप? बस सिंगल बार, फर्स्ट बार आए हैं, लेकिन मोदी जी जैसा कोई नेता ना था। यहाँ आके कैसा लग रहा है? ना को रहेगा, यहाँ आके कैसा लग रहा? आनंद हमको बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, श्रद्धा और विश्वास के साथ हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। गंगा स्नान के बाद सीधे यहाँ पे, अब सीधे काशी विश्वनाथ का दर्शन कर पाएंगे आप, तो ही दिन बाद विश्वनाथ लोग का धाम बनने वाला है ये, तो कैसा महसूस हो रहा? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा। हमारे साथ यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद है, आइए बात करते हैं कि क्या यहाँ आके उन्हें कैसा लग रहा है। मेरा नाम रीता सिंह है, मैं जौनपुर की बहू हूँ और आजमगढ़ की बेटी हूँ। ये आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं? नहीं, मैं बचपन से आ रही हूँ, महादेव से मेरा इतना लगाव है कि लोग हीरो हीरोइन पसंद करते हैं, मैं महादेव को पसंद करती हूँ। यहाँ अभी आकर आपको कैसा लग रहा? अद्भुत काशी, कोई वर्णन ही नहीं। क्या यहाँ पे आपको परिवर्तन दिख रही? आज मैं आपको बता दूँ, आज मेरा मन ये करता है कि लोग कहते हैं दंडवत प्रणाम करना चाहिए, तो मुझे काशी में मुझे दंडवत प्रणाम करूँगी मैं आज। और ऐसा दृश्य जो अद्भुत, जो कभी हमने सोचा ना था, हम अपने जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ जो और ने एक पुनर्निर्माण किया, मतलब काशी का पुनर्निर्माण, मंदिर का पुनर्निर्माण किया। हमारे साथ यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक श्रीकांत जी मौजूद है, आइए जानते हैं कि इस कॉरिडोर की विशेषताएं क्या है। वाराणसी निवसते नवसुंदरायाम तत्र स्थितिर मखभुजाम भुवने निवासः। वाराणसी पृथ्वी पर नहीं है, त्रिकंटक विराजिते भगवान के त्रिशूल पर बसी हुई काशी, अनंतानंत ब्रह्मांड मायांड जीवांड साक्तांड और प्रकृत्यंड को चमत्कृत करने का सामर्थ्य रखती है। वह काशी जो भगवान शंकर की अतिशय प्रिय राजधानी है, वह काशी जहाँ का हर कंकर शंकर समान माना जाता है, वह काशी जो मधुरता मनोहरता सुंदरता विलक्षणता अलौकिकता अद्वितीयता अनुपमेयता सौंदर्य लावण्य लालित्य और माधुर्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। वह काशी जहाँ पर भगवान शंकर और भगवती अन्नपूर्णा दोनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हैं, जीविते अन्नदातृत्वम मृते मोक्षम ददाम्यम,
भगवान शंकर कहते हैं कि जब तक इस धरा धाम पर मनुष्य जीवित है, अन्नपूर्णा के रूप में आप उदर पोषण करेंगी, और जब उसका शरीर समाप्त हो जाएगा प्राणी मात्र का, तो मैं उसको तारक मंत्र दे करके मोक्ष प्रदान कर दूंगा। और इसीलिए कहा जाता है काश्याम मरणान मुक्ति ही। तो साकाशी त्रिपुरारी राजनगरी भगवान शंकर की अतिशय प्रिय राजधानी, जिसको आनंद वन के रूप में जाना जाता है, और कभी किसी कालखंड में रामकृष्ण परमहंस आदि महामनीषियों ने स्वर्णमयी और मणिमयी काशी का दर्शन किया था, आज पुनः उसी कलेवर में नए रूप में बदले हुए स्वरूप में पुरातनता को नष्ट किए बिना फिर से नई काशी, नया बाबा का दरबार श्री काशी विश्वनाथ धाम आज समस्त धर्म प्राण भक्तों के लिए लोकार्पित होने जा रहा है। जी बता रहे हैं प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को आके लोकार्पण करने वाले, तो क्या तैयारियां हैं यहाँ पे? तैयारियां जोरों पर हैं, सभी लोग उत्साह उमंग उल्लास में हैं, न केवल काशीवासी, न केवल भारतवासी, अपितु विश्व के कोने कोने में फैले हुए जो परम शिव भक्त हैं, जो बाबा विश्वनाथ के धर्म प्राण अनन्य भक्त हैं, उन सब में एक उल्लास उमंग है, और हर कोई इस बात से प्रसन्न है। जब नए लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको देख करके बस उनके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है, शोभा बरनी न जाई, माने इसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप लोगों ने भी देखा होगा 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे में सिमटा हुआ मंदिर, जहाँ गलियों के रास्ते से लोग जाते थे, जो वृद्ध थे, असक्त थे, रोगी थे, वो बाबा के दरबार तक पहुंच नहीं पाते थे, उनकी मनसा अधूरी रहती थी। लेकिन आज जब ही भव्य और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, या आदरणीय प्रधानमंत्री, काशी के प्रिय सांसद, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के शिव संकल्प से पूरा हुआ है, तो आज इसका भव्य और दिव्य लोकार्पण होने जा रहा है, जहाँ देश के विभिन्न धर्माचार्यों का पावन सन्निधान होगा, और माँ गंगा के तट से कलश में गंगा जल लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसी रास्ते आएंगे, और बाबा के दरबार में जाकर के सभी भी षोडशोपचार पूजन करेंगे, विभिन्न पवित्र नदियों के जल से बाबा का अभिषेक करेंगे, चंदन विभूति पुष्पमाला दुर्वा बिल्वपत्र सब भगवान को समर्पित करेंगे, तो वह जो दिव्य उस समय का स्वरूप होगा, जो भव्यता होगी, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। और क्या उस दिन क्या विधि विधान होगी पूजा की? पूजा जो है वो राजोपचार विधि से, क्योंकि ये भगवान विश्वनाथ देवाधिदेव महादेव राजा रूप में यहाँ विराजते हैं और गुरु रूप में भी विराजते हैं। आज माता अन्नपूर्णा की जो मूर्ति कनाडा से आई है, वो बाबा के दरबार में यहाँ पे स्थापित है, आप देख सकते हैं। कैमरा मैन से बताना चाहूँगी और कहना चाहूँगी यहाँ पे वो हमारे दर्शकों को मूर्ति दिखाएं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के अर्चक, आइए जानते हैं उनसे इस मूर्ति की विशेषताएं। जी मैं अमरनाथ उपाध्याय पुजारी हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर में। जी गुरु जी आपसे जानना चाहेंगे इस मूर्ति की विशेषता। मूर्ति लगभग 100 साल पहले 108 साल पूर्व यहाँ कहीं से चोरी चली गई थी, और धार्मिक परम धार्मिक यशस्वी श्रीमान प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सविधि यहाँ पे आई है। इसको हम लोगों ने डोली के द्वारा बाहर से लाया, सविधि श्रीमान मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुआ। कितना भव्य दिन था उस दिन, किस तरह से इनकी माता की अर्चना पूजा की गई थी उस दिन, वो हम लोग भूल नहीं सकते। बहुत दिव्यतम समय था वो, और अभिजीत मुहूर्त में इनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। पंचगव्य से स्नान हुआ, पंचामृत से स्नान हुआ, 1650 पूजन हुआ, इसके बाद श्रीमान मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से यहाँ हम लोगों ने स्थापित कराया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सभी मंत्रों का, चारों वेदों का वेद पारायण हुआ, वेद पाठ हुआ, उसके बाद माता जी को यहाँ स्थापित किया गया है तब से। और सुविधा हो गया, चूँकि पहले था संकीर्ण था, गलियों का शहर था, यात्रियों को असुविधा होती थी दर्शन करने में, अब एक किनारे हो जाने से सारे यात्री विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, तारकेश्वर दर्शन करते हैं, अभिमुक्तेश्वर, भुवनेश्वर, वैकुंठेश्वर, इसके बाद माता जी का दर्शन करते हैं, काफ़ी सुविधाजनक हो गया है, बहुत सुविधा। ये बात करते हैं उनसे जिन्होंने दिन रात एक कर कर इस निर्माण कार्य में अपना सहयोग दिया है। जी आपका परिचय? आशीष तिवारी। आशीष जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो निर्माण हुआ है भव्य धाम का, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे हुआ ये निर्माण कार्य? देखिए एक तो चैलेंजिंग जॉब था, टारगेट था, लेकिन हमने 18 महीने का जो टाइम था प्रोजेक्ट का, उसमें उसी टाइम पीरियड में सारा प्रोजेक्ट्स को हमने कंप्लीट कर दिया है। फाइनल स्टेज में भी सिर्फ टचिंग फिनिशिंग टचिंग का सिर्फ सफाई का कार्य चल रहा है, और सारे वेस्ट वर्कर स्टाफ जितने भी लोग यहाँ पे कार्य किए हैं साहब, काफ़ी उत्साहपूर्ण तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, काफ़ी हैप्पी हैं। बाबा के भव्य द्वार पे काम करने का सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ,
और इस वजह से काफी लोग खुश हुए। कितने वर्कर्स लगे यहाँ पे? वर्कर्स 25 से 3 हज़ार के वर्कर्स में डे नाइट के शिफ्ट में काम किए हैं यहाँ पे। 200 स्टाफ थे पीएसपी कंपनी के, जो इंजीनियर सुपरवाइजर स्टाफ जो उतने भी 200 के लम समय यहाँ दिन रात डे वाइज शिफ्ट करके काम किए हैं। सब हमारे क्लाइंट्स तरफ से जो भी रहे उनके तरफ से भी हमेशा सुपरविजन बहुत हाई लेवल की चलती रही। यहाँ पे बाहर के जो भी स्टाफ ऑडिट रूप में भी आते रहे और काफ़ी मतलब देख सकते हैं कार्य में किसी पर कोई समस्याएं तो बहुत आई, शासन प्रशासन हर तरीके सपोर्ट रहा और आज आपके सामने इतना भव्य बाबा का दरबार सच के तैयार है।